साहब की वाणी सुनी, उसमें वो कुछ ध्यान की बातें करते हैं और कहते हैं कि जिनका ध्यान लग जाता है उनको विमल विमल आनंद। विमल किसे कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार का कोई मल ना हो, निर्मल हो, अपूर्णता पवित्र हो, किसी प्रकार की कोई अपवित्रता नहीं हो, ऐसी अनहद ध्वनियां, अनेकानेक विविध प्रकार की ध्वनियां सुनने में आती हैं। विमल ध्वनियां और विविध प्रकार की ध्वनियां किनको, कितने प्रकार की, तो कहा अनहद, जिनके हद न हो, अर्थात असंख्य प्रकार की ध्वनियां सुनने में आती हैं। किनको सुनने में आती हैं? तो जिनका ध्यान लग जाता है। सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंख धुनि बाजे। लोग जो गुरु महाराज की पदावली में जो पढ़ रहे हैं वहां भी आए, तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, स्वर सुनाई देते हैं, जैसे झिंगूर के बोलने की आवाज, भौरे के भनभनाने की आवाज, सागर की लहरों की आवाज, शंख की ध्वनि, सिंगी की ध्वनि, तरह तरह की मुरली की ध्वनि, वीणा की ध्वनियाँ, एक से एक मृदंग की ध्वनि, तरह तरह की ध्वनियाँ सुनने में आती हैं। और वहां पर कहते हैं कि जब सुनाई देता है तो अबुझा मन जहाँ केली करे, केली करना मतलब खेल रहा है, वहां पर जो हमारा मन है जो कि अभी तक अबुझा था, अबुझा मतलब बूझ किसे कहते हैं, इसमें समझदारी हो, सही समझदारी को कहते हैं कि सूझबूझ वाला व्यक्ति, और अबुझा यानी जिसे बोध नहीं हो, ऐसा अबोध मन भी वहां जाकर मस्त है। असल में अबुझा मन जो है वो सबुझा हो जाता है। अबुझा मन किसे कहते हैं? तो जिसे सत्य का बोध न हो, जो बाहर के ही रूप शब्द इनके आकर्षण में खिंचा हुआ सदैव उन्हीं में रमा रहता है, बाह्य रूप, बाह्य शब्द,
ये ध्वनिया ही बाहर के बाहर का जगत ही उसे अपनी ओर खींचता है, जो कि पूरी तरह से स्थूल है और पूरी तरह से असार है, जो हमें नाश की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसी बातों में, ऐसी चीजों में जो मन सदा लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? अबुझा मन। लेकिन वही अबुझा मन जब यहाँ पहुंचता है आंतरिक मंडलों में, वहां के प्रकाश के रूप देखता है, वहां के शब्द सुन पाता है, तो वही अबुझा जो है सबुझा हो जाता है। जो कुमन है वो सुमन हो जाता है। जब तक हमारा मन कुमन रहता है तब तक हम लोग विषयों में फंसे रहते हैं। मैंने पूछा था और बार भी चर्चा कर चुका हूँ, पूज्य पाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी के श्री चरणों के निकट बैठा हुआ था और तब उनसे पूछा था मैंने कि गुरुदेव ऐसा क्यों होता है कि जो चीज जानता हूँ कि गलत है, नहीं करनी चाहिए, वही बात कभी ना कभी कर बैठते, पश्चाताप भी होता है, फिर नहीं करने की भी शपथ लेता हूँ, लेकिन फिर भी कभी ना कभी वही बात हो जाती है, तो ऐसा होता क्यों है? जबकि मन में पूर्ण इच्छा है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी हो जाता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा था ये सब मन की अवस्थाएं हैं। एक अवस्था जो सबसे निम्नतम अवस्था वो होती है कि जहां उसको इस बात का भी बोध नहीं रहता है कि वो गलत कर रहा है, अकर्तव्य कर्मों में लिप्त है, इस लिप्तता से पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है जो मन, उस मन की निम्नतम अवस्था। और जब हमारे कर्मों के संस्कार बनते हैं, हमें सच्चे पुरुषों का, श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग प्राप्त होता है, वहां पर जानने बूझने को मिलता है, तब पता चलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हमें मालूम हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, और उसके बाद भी अगर हम वो काम करने जाते हैं तो हमें पछतावा भी होता है। क्यों अभी ऐसा होता है कि जानते भी हैं कि नहीं करना चाहिए और करते भी हैं? ये जो अवस्था है वो पहली अवस्था से थोड़ी ऊपर की अवस्था है। जब हमें कम से कम पता तो है कि ये नहीं करना चाहिए और उनसे अपने को बचा कर रखने का प्रयास करते, उस प्रयास में विफलता हमारे हाथ लगती है बहुधा, वह इसलिए होता है कि अभी जो है हम, जो राधा स्वामी साहब का शब्द है, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, और क्या करना पड़ेगा? कहते हैं अगर ये इससे ऊपर उठना है, बार बार हर बार जो भूलें और भरम हमसे होते रहते हैं, इससे ऊपर उठना रहता है, उठना है, इच्छा है तो खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो। तो ये जो संघर्ष की अवस्था है ना, ये ट्रांजिशन का फेज है। करना नहीं भी चाहते हैं, कर गुजरते भी हैं, फिर रोते पछताते भी हैं, कि प्रार्थना भी करते हैं कि बचाइए गुरु महाराज, ऐसा क्यों होता है? तो अब इसके बाद करते करते यदि संलग्नता हो, सच में मन में इच्छा हो और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो, तो करते करते जो कहीं चढ़ाई हो गई, कहाँ? छोड़ चलो नौ द्वार, तब कहाँ जाएंगे? दशम द्वार में जाएंगे। और दशम द्वार में चले गए तो यही मन जो है कुमन या अबुझा मन, सुमन और सबुझा मन हो जाता है, स्वयं उसको ज्ञान हो जाता है, वहां जाकर वो शुद्ध पवित्र हो जाता है। जब अंदर का शोधक, आत्म शोधक प्रकाश मिलता है उसे, जो कि शुद्ध कर देता है मन को, मन के विकारों को भून डालता है, तब वही मन अब जब नीचे उतरता है तो कहते हैं कि जैसा संतों का मन होता है। ये तीसरी अवस्था, कि उनका मन इधर जाता ही नहीं विषयों की ओर, जो हमें नीचे की ओर ले जाएंगे, ऐसे विषयों में उनका मन फंसता ही नहीं, उसके मन में उनके प्रति तनिक भी रुचि उत्पन्न ही नहीं होती है, और ये उनका स्वभाव, सहज स्वाभाविक गुण ही उनका ऐसा है। तो ये जो अवस्था होती है सुमन की अवस्था, और फिर इससे भी ऊपर यदि हम प्रगति करते जाते हैं तो मन तो है ना, भले ही सबुझा हो गया है, लेकिन मन है, मन है
तो बीज है, कारण है। उसको अगर समूल नष्ट करना चाहते हैं तो हमें ऐसी अवस्था में स्वयं को ले जाना पड़ेगा जहां मन ही ना रहे। कुमन, सुमन और उसके बाद अमन। अब मतलब नहीं, मन ही समाप्त तो हो जाए, ऐसा भी होता है क्या? तो गुरु महाराज कहते हैं कि होता है, क्योंकि मन जो है वो जड़ है और उसकी पहुंच जड़ मंडलों से ऊपर नहीं है, और उसमें भी सक्रियता जो है वो कारण मंडल तक ही है, क्योंकि जब तक कारण नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। कोई भी कार्य कब होता है? कॉज एंड इफेक्ट। कार्य तभी होता है जब उसका कोई कारण होता है। यहाँ पर आए, हमारे मन में क्या था कि नहीं सत्संग में जाएंगे क्योंकि हमें मालूम है कि क्या करना है, तो वहां जाने से सब प्रेरणा मिलती है, बाकी के दिन भी हमें सही मार्ग पर रहने के लिए अंदर से संबल मिलता है। तो अब ये कारण बना हमारे लिए कि हम दुखों से छूटना चाहते हैं, इसलिए कहाँ जाते हैं? संस्कार्य हो गया। कौन सा? सत्संग में आने। तो कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, अर्थात सक्रियता, क्रिया जो है उसके लिए कारण का होना आवश्यक है। अगर हम कारण मंडल के ऊपर चले जाते हैं तब क्या होता है? तो महाकारण, और उसके भी ऊपर चले गए तो जड़ मंडल ही सब। महाकारण में सक्रियता नहीं रहती है, बार बार हम लोग सुन चुके हैं, क्योंकि वहां गुणों का संतुलन रहता है, सम्मिश्रण रहता है। गुरु महाराज कहते थे कि असल में वही प्रकृति है। प्रकृति किसे कहते हैं? गुरु महाराज कहते थे कि प्रकृति वो है जहाँ विकृति ना हो। विकृति कब होती है? जब तीनों गुणों में से कोई एक अधिक और दूसरे कम। तो बाकी के जो मंडल है, महाकारण के नीचे के मंडल है तो प्रकृति के, लेकिन वो विकृत मंडल। तो जब महाकारण में पहुंचते हैं तो संतुलन अवस्था में आ जाते हैं, वहां कोई क्रिया संभव नहीं है, लेकिन उसके किसी भाग में ठोकर लगे तो गुणों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। तो महाकारण से ही तो कारण मंडल का जन्म होता है। अगर हम साधना को अपनी इतनी ऊंची बना लेते हैं कि हम अपने को महाकारण के भी ऊपर लेके चले जाएं, तो जड़ प्रकृति के ऊपर चले जाएं, और तब जो है वो भी किसी प्रकार की कोई संभावना रहती नहीं है, समूल नष्ट हो जाती है, निर्मूल हो जाती है। ये जो अवस्था, बिना अगर जड़ प्रकृति के ऊपर ले जाने वाला कौन सा साधन है? तो सिर्फ एक शब्द है, सार शब्द। और जड़ मंडलों में भी जहां रूप मंडल समाप्त हो जाता है उसके ऊपर अगर हमें चढ़ाई करनी है, रूप मंडल गुरु महाराज के अनुसार त्रिपुटी तक ही है, आज्ञाचक्र, सहस्रार और त्रिपुटी, और त्रिपुटी के परे अरूप मंडल है। अरूप मंडलों में क्या सहारा है? रूप मंडल में रूप देख देख कर चले जाते हैं, घर का पता पूछता है हमारे यहाँ कोई, वो कुरियर वाला आता है कि साहब आपने ऑर्डर किया था ऑनलाइन से, कैसे आना है, तो उसको बताते हैं ना, अपने लैंडमार्क्स बताते हैं कि ये जानते हो, ये जानते हो, वहाँ से यहाँ आओ, वहाँ से लेफ्ट मुड़ो, फिर ये बिल्डिंग या ये फ्लैट मिलेगा, वहाँ से आगे बढ़ो, ये मंदिर मिलेगा, उससे लेफ्ट मुड़ो और आगे आ जाओ, जहाँ समाप्त होगा वहाँ तुम्हें हमारा नाम मिल जाएगा। अगर तो क्या फॉलो करता हुआ आता है? वो रूप का अनुकरण करता हुआ और पहुंच जाता है अपने लक्ष्य पर। लेकिन जहां रूप ही समाप्त हो जाए तब किसका सहारा होगा? अभी हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं तो रूप का सहारा है, और बिजली गुल हो जाए तो तब भी शब्द के सहारे हम लोग एक दूसरे को जान सकते हैं। तो अरूप मंडल में शब्द का सहारा होता है, त्रिकुटी के ऊपर की चढ़ाई शब्द के नादानुसंधान के सहारे होती है, पहले जड़ मंडल के शब्द, और धीरे धीरे एक 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 जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं तो वही शब्द रहते हैं, उनमें सूक्ष्मता आती जाती है, उनमें शुद्धता आती जाती है, और उनकी आकर्षण शक्ति जो है बढ़ती चली जाती है, और उनसे खिंचती हुई सूरत नाद स्वय नादों में, एक से एक नाद से दूसरे, दूसरे से दूसरे में चलते हुए, और अंततः जड़ प्रकृति का उत्क्रमण करके चेतन प्रकृति में जहाँ सार शब्द मिलता है। ये सार शब्द ही जड़ प्रकृति के पार ले जा सकते, क्योंकि वो चेतन शब्द है। तो वहां जब उसको पकड़ लेते हैं तो पूर्णतः असल में कारण मंडल के बाद ही अमन की स्थिति हो जाती है, और जो अजोड़ मन,
अमन की स्थिति को उपलब्ध हो जाता है वो अमन चैन की बंसी बजा सकता है। एक संस्कृत वाला अमन और एक उर्दू वाला अमन। अमन चैन की बंसी अगर हम बजाना चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, तो कहते थे कि मुझे बात कि उसके लिए अमन होना होगा, उसके लिए ध्यान करना होगा। तो उसके बाद जब मन ही नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं, फिर तो वो संसार में रहता है। गुरु महाराज क्या कहते थे कि ऐसे जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं वो संसार में रहते हुए भी कर्म करते हुए दिखलाई देते हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई कर्म होता नहीं। जब तक कर्म हमारे द्वारा होता रहेगा, यानी मैं कर्ता बना रहूंगा, तब तक मैं भोक्ता बन रहा। इसलिए निष्काम कर्म सिर्फ बोलने 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 से नहीं होता है। अरे मैं तो ये काम करता हूं ना, मेरे अंदर कोई किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, बिल्कुल अचाहना, एकदम निष्काम भक्ति है मेरी, ऐसा बोलने से नहीं होता है। क्योंकि जब हम अपने अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं रहती है वो कामना। निष्काम वही हो सकता है जिसने ऐसी साधना की हो कि अपने को अपने मन को गिरा दिया हो, गिरा दिया हो मतलब नष्ट कर दिया हो, और वो जब साधना से नीचे उतरते हैं। नहीं तो कर्म, अभी हम लोग देखिए, अभी विकास जी ने एक पूछा था हमारे ग्रुप में, समय लिखने में समय लगता है कि अभी जो श्रीलंका में दुर्घटना हो गई, आतंकवादी हमला हुआ, बोले तो ये क्या था, ये इतने सारे लोग, करीब 250 लोग, 260 लोग एक साथ एक तरह की दुर्घटना में, जिसमें कि कुछ श्रीलंका के थे, कुछ भारत के थे और कुछ अन्य देशों के भी थे, सब वहां पहुंच गए और सब एक ही तरह की दशा को प्राप्त हुए, सब ने एक प्रकार का फल भोगा, तो ये कैसा कर्म है। तो इसमें दो तरह, देखिए असल में कर्मों की गति जो है ना इतनी गहन है कि उसको समझ पाना बड़ा कठिन है कि कौन सा कर्म हो रहा है, वो किस प्रकार का कर्म है, प्रारब्ध के वशीभूत होकर किया हुआ कर्म है उसका फल है, या फिर नवीन कर्मों का फल है, किस तरह से, कब का फल है, कब किया हुआ फल, 100 जन्मों के बाद, 101 जन्मों के बाद भीष्म पितामह द्वारा कर्म किया गया कर्म कहते हैं सामने आया था जब उनको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो कर्मों की गति, कर्मण की गति न्यारी, गहना कर्मणो गतिया का है, कर्मों की गति इतनी गहन है, इतनी रहस्यमयी है कि समझा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम बुद्धि के द्वारा प्रयास किया जा सकता है उसे समझ। तो एक चीज होती है मास जस्टिस, कि अगर मान लिया जाए कि 100, 200, 500, 1000 लोगों ने कभी ऐसे कर्म किए जिनकी परिणति एक तरह के फल में है, एक ही तरह से उन्हें वो फल प्राप्त होना चाहिए, तो प्रकृति ऐसा भी करती है कभी कभी कि ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने उस प्रकार के कर्म किए थे कि उनको ऐसे किसी दुर्घटना में जाकर मरना है, अचानक मरना है, तो ऐसे सब लोगों को किसी न किसी कारण से एक जगह एकत्रित कर देना। सब एक ही ट्रेन में चले जा रहे हैं ना, और उसी में किन्हीं का पता चलता है कि अरे ट्रेन छूट गई ना, तो उस ट्रेन में जाने से बच गए, वो तो नहीं मरे, या उसी ट्रेन में कुछ लोग देखिए बच जाते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने एक जैसे कर्म किए थे और उनको उसी के जैसा फल प्राप्त होना था, वो एक जगह जमा हो जाते, क्योंकि 200-250 लोगों को वैसी ही दशा में पहुंचाना और उनको एक ही जगह करके वैसी ही मृत्यु दे देना, ये सहज हो गया ना, मास जस्टिस हो गई। तो मास जस्टिस जो है ये भी कभी, ये पुराने कर्मों का भी फल हो सकता है, और ये हमें नहीं पता, ये तो वही कोई ज्ञानी पुरुष जो आंख बंद किया और देख कर बता सकते हैं। और कभी कभी ये नूतन कर्म भी होते हैं, जिन व्यक्तियों ने इन 250 लोगों को मारा या उनकी मृत्यु का कारण बने, इन 250 लोगों ने कभी कैसे कोई कर्म किए होंगे जो जिसका फल उन्हें आज प्राप्त हुआ, या ऐसा भी संभव है कि इन 5-6-10 लोगों ने नवीन कर्म, जो क्रियमाण कर्म हम लोग बोलते हैं, कि जो हमारे प्रारब्ध का नतीजा नहीं है, हमें स्वतंत्रता है और अपनी स्वेच्छा से हमने वैसा कर्म कर दिया, तब इनके लिए वो क्रियमाण कर्म हो गया, उनके लिए तो सदैव प्रारब्ध का ही कर्म है,
लेकिन इनके लिए अगर वो क्रेमण कर्म हो गया तब आगे जाके उनको इससे भी कई गुना हिंसक दृश्य का अनुभव का सामना करना होगा। तो कर्मों का फल तो मिलता ही है, लेकिन जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं वो ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि उनकी चेतना जो है हमेशा सार शब्द को पकड़े हुए और अपने को प्रकृति मंडल से ऊपर बनाए। जैसे देखिए, कभी आप कहेंगे कैसे होता है, तो बहुत बार देखिए हम किसी चिंतन में मग्न हैं या कोई गीत गुनगुनाते हुए सड़क पे चले जा रहे हैं और अचानक सामने से गाड़ी आती है और हम उसको देख के बाएं भी हो जाते हैं, नीचे उतर के फुटपाथ पे भी हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं रहता। होगा ना, अगर आपने कई बार अनुभव किया, हमको मालूम भी नहीं, हम नीचे उतर गए, जिस चिंतन में थे उसी में मन उसी बात को सोचता चला जा रहा है, लेकिन हम जो है नीचे है और अपने को बचा लिया। जो दूसरा देख रहा है वो क्या समझेगा, उसने गाड़ी को देखा होगा और वो नीचे आया। लेकिन जो ऐसे ज्ञानी पुरुष, एक मतलब असल में उदाहरण अपर्याप्त होते हैं इन चीजों को समझाने के लिए, लेकिन क्या करेंगे, हमारे पास सहारा मन और बुद्धि का ही है ना, तो समझने का प्रयास तो इन्हीं से करना पड़ेगा। तो वैसे ही जो संत पुरुष होते हैं पूर्णतः, जिन्हें जीवन मुक्त कहते हैं, उनका कैसा होता है, तो कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत टुक विहीन नहीं तारा, जिन जिन जंतर निस दिन बाजे जम जाले में बचे। उनकी अवस्था कैसी होती है, तो जगे हुए हों सोए हुए हों उठत बैठत कैसे भी किसी भी अवस्था में हो, एक क्षण के लिए भी टुक विहीन थोड़े से थोड़े समय के लिए भी वो विहीन नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं, किससे, उस तार से। कौन सा तार, तो जो परमात्मा की ओर से आया है सार शब्द, उसको सदा पकड़े रहते हैं, जो अपनी सूरत से पकड़े रहते हैं और शरीर उनका कर्म करता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, बातचीत करता हुआ, यहाँ तक कि सोता हुआ, जिसे हम सामान्य सुषुप्तावस्था समझते हैं, उस सुषुप्तावस्था में भी अपने ध्यान के बल से वो अपनी सूरत को सदैव उस चेतन धार से संलग्न कर किए हुए हो रहते हैं। तब कहते हैं कि जिन जिन जंतर यंत्र बजते हैं, जैसे आवाज होती है, तो कहते जिन जिन मतलब बारीक यंत्र निश दिन बाजे, दिन रात बजता रहता है और उसको जो पकड़े रहता है, तो जम मतलब यम जालिम, जो क्रूर यमराज है अर्थात मृत्यु है, उसके सामने पची हारा ठक के हार जाती है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो ऐसी अवस्था अबुझा मन जहां के लिए, कहां से शुरू हुआ था, अबुझा से, और देखिए उन्नति करते करते तो वही कहा पूजे पाला कि ऐसा होता है कि एक अवस्था है जहां उसको पता ही नहीं है, दूसरा अवस्था है जैसा तुम प्रश्न कर रहे हो कि मालूम है उससे बचना चाहते हैं फिर हो जाता है, लेकिन इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान नित सत्संग नित, अगर हम लोग नित प्रति सत्संग और ध्यान करते रहेंगे तो फिर एक न एक दिन हम इस नौ द्वारों के ऊपर उठ जाएंगे और दशम द्वार में गए तो सुमन हो जाएंगे और वहां से और आगे बढ़े, कारण मंडल के आगे गए तो अमन हो जाएंगे और फिर ऐसे हो जाएंगे, कैसे, तो जिनको सामने रख के जिनके चित्र और उनके सामने बैठकर सत्संग करने में भी अपने लिए गर्व का अनुभव करता, ऐसी अवस्था हमारी हो जाएगी। दह की मछली गगन चढ़ी गाजे, दह कहते हैं छोटा कुंड वगैरह रहता है, छोटा कुंड तालाब ऐसा है, तो ऐसे कुंड में रहने वाली मछली जो है वो कहते हैं कि गगन चढ़ी, आकाश में चढ़ गई। दह की मछली गगन चढ़ी गाजे, और क्या कहते हैं कि बरसत बरसत अमीरस ताल भरे, जो कुंड की मछली है, कुंड मतलब यहाँ पर पिंड हो गया, कुंड छोटा होता है ना, पिंड भी छोटा होता है, तो शरीर के स्तर पर रहने वाला जो मन है वो दह की मछली उसको कहा, कि पिंड में रहने वाली जो सूरत है वो चढ़ती है और गगन यानी अंतराकाश में चली जाती है, और वहां पर क्या होता है, तो कहते हैं बरसत अमी रस, वहां पर अमी मतलब अमृत, अमृत रस की वर्षा होती है। अमृत असल में क्या होता है,
तो गुरु महाराज कहते थे कि बाहर में कोई ऐसा अमृत नहीं है जिसके पीने से हम अमरत्व को प्राप्त कर सके। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा रहा होता तो सब देवी देवताओं ने तो अमृत पिया था ना, लेकिन कोई अमर रह सके क्या? सबका देव, उनकी देव योनि छूटती ही है और फिर दूसरी योनियों में जाना ही होता है। तो इसलिए सच्चा अमृत कहाँ मिलता है? तो जब हमारी चढ़ाई अपने अंदर में होती है और वहां पर हमें प्रकाश और शब्द, और इसमें भी प्रकाश भी असल में शब्द का ही रूपांतरण है। अगर कंप नहीं हो तो प्रकाश नहीं हो सकता, वाइब्रेशन के बगैर लाइट नहीं होती। तो प्रकाश भी शब्द ही है, इसलिए मूल अर्थों में अमृत जिसको प्राप्त करके, जिसका पान करके हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, वो है शब्द। तो अमी रस वहां पर बरसता रस विजय है, चली चली आकाशा, और उसमें कहते हैं अमृत। ये हमारे कैसा है, रोज पढ़ते हैं ना, लेकिन बच्चे के पहाड़े के जैसा हो जाता है। बच्चे का जो मल्टीप्लीकेशन टेबल होता है ना, तो उसको पूछिए अचानक कि 9 5 आर, तो क्या करेगा? 9 1 आर, 9 9 2 आर, 18 9 3 आर, वहां से चल के बता देता है, लेकिन बीच में नहीं बता पाता है। तो कभी कभी हमारी अवस्था भी वैसी हो जाती है। तो अंदर में जो अमृत की वर्षा होती है, ये प्रकाश और शब्द की वर्षा है। अष्ट कमल द्वादश के अष्ट कमल कहते हैं, अष्ट कमल दल चरखा डोले, अष्ट कमल कहते हैं आज्ञा चक्र को। आज्ञा से पांच तत्व गुण तीन ही चदरिया बोलते हैं, पांच तत्व और गुण तीन, ये मिलकर अष्ट कमल दल चरखा डोले। वहां पर आज्ञा चक्र में जब हम द्वादश के भीतर, द्वादशांगुल के भीतर रहते हैं, तो कहते हैं कि सो मिलने की चाह कर, जो परमात्मा से मिलने की चाह करता है वो अपने को आज्ञा चक्र के से, मतलब 12 द्वादश अंगुल के अंदर में बना कर रखता है। ये द्वादश अंगुल क्या है? तो गुरु महाराज स्वयं उसका, उसकी टीका करते हुए कहते हैं कि इसका वर्णन और संतों की वाणी में और सांडल्योपनिषद में भी है। कहते हैं द्वादश अंगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलं विमलेंबरे संविदृशि प्रशाम्यंताम प्राण स्पंदो निरुद्धते। कहते हैं प्राण स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। तो ये वहां पर है, लेकिन फिर बताते नहीं है, कहते हैं यह ध्यान साधन के अंदर की बात है, इतना कह के छोड़ देते हैं। कहीं भी इसका मतलब ऐसा नहीं, मैं नहीं कह सकता कि मैंने सब नहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत ढूंढता हूं इसका बिल्कुल स्पष्ट स्पष्टीकरण कहीं नहीं मिलता है कि असल में यह द्वादश अंगुल है क्या। तो वही है, कहते हैं कि ध्यान साधन के अंदर की बात है। तो मुख्य बात क्या है कि करो और खुद जान जाओ, करेंगे तो जानेंगे। लेकिन जो बताते हैं ऐसा बताते हैं कि ध्यान करते समय कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अपने अपना ध्यान जो है आंख बंद करो, एक बित्ते में ऐसे रखेंगे, अगर तो 12 अंगुल होते हैं ना, तो कहते हैं एक बित्ते या डेढ़ बित्ते के आसपास अपनी दृष्टि को स्थिर कीजिए। तो गुरु महाराज कहते थे, पूज्य पाद महर्षि संतसेवी महाराज भी कहते थे कि अंदर में कोई मीटर है क्या, कोई स्केल है क्या, कैसे नापेंगे कि 12 अंगुल है? आंख बंद हो गई तो अब हमारे सामने दृष्टि का अनुमान कैसे लगाएंगे, उसकी माप कैसे करेंगे? करके देखिए, बहुत कठिन काम। इसलिए जो भी ऐसी विधि बताते हैं वो गलत, जो गुरु ने दीक्षा में बताया है ना, बस वैसा ही करना चाहिए। इसके इधर उधर यहाँ से पढ़ के वहां से पढ़ के इसका प्रयास नहीं करना है। जो बताया गया हम सब लोग जानते हैं, सामने देखना है, कैसे देखना है बताया गया, आंख बंद करके बस वहां देखते रहना है। जिस समय, और थोड़ा नजदीक की ओर, जिस समय हमारी सही सही दूरी पर दोनों किरणें मिलेंगी, अपने आप वो उदित हो जाएगी, और फिर ये हम भी कह सकेंगे कि ये ध्यान भजन के अंदर की बात है। लेकिन ये अपने अंदर में एक बित्ता डेढ़ बित्ता इतना बालिश्ट ये सब पर लगाने की जो बात है, ये इसको कम से कम गुरु महाराज का और पूज्य पाद महर्षि संतसेवी जी महाराज का समर्थन नहीं है। और वहां पर फिर जब पहुंच गया तो कहते हैं 12 मास सालों भर बूंद वहां जहां बरसे, वहां अमृत बूंदे बरसती रहती है, क्या रैन क्या दिवस। अभी आएगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं गुरु महाराज का अविल, उसमें भी आएगा रैन दिवस सांझ भोर, ये सब कछु जाने नहीं। वही कहते हैं रैन दिवस वहां लखी न पड़े, और यहाँ पर बिरला समुझ पड़े।
उस गली में ऐसे विरले समझ में आते हैं, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पहुंच वहां तक हो सकती है, लेकिन जो पहुंच जाता है काया पैसी, पैसी मतलब प्रविष्ट होकर पैक कर, काया काया मतलब शरीर, शरीर के अंदर पैक करके कर्म सब नाश है, कर्म सब नाश कर देता है सभी कर्मों का। कौन कर्मों का नाश कब होगा? जब कितने भी कर्म करके हम कर्मों का नाश नहीं कर सकते। एक बहुत फंडामेंटल ट्रुथ है जिसको हमको समझ लेना चाहिए कि बाहर का कोई भी कर्म करके हम नवीन कर्मों का सृजन करेंगे और उनके फल अच्छे या बुरे उन्हें भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो जागतिक किसी भी कर्म के द्वारा हम कर्मों का नाश कर पाए ऐसा कदापि होने को नहीं है, नितांत असंभव बात है। कर्मों का नाश सिर्फ ध्यान साधना से संभव है। हमारा उपनिषद साफ कहता है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन। उसका भेदन जो है सिर्फ ध्यान योग के द्वारा होता है। कहा कोई तो और रास्ता होगा तो बिल्कुल स्पष्ट उक्ति है, नान्यो भेद कदाचित न अन्य, अन्यो कहें अन्य कहें एक ही बात है। जो प्रथम विभक्ति होती है और बाद में जो संबोधन होता है ये दोनों एक ही होते हैं, बालको और बालका एक ही बात है। तो ऐसा तो कहते हैं नान्यो भेद न अन्यो, कोई भी दूसरा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है और वो ध्यान। और वो क्यों उपाय है कि ध्यान के द्वारा हम बढ़ते 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 कर्म मंडल के ऊपर चले जाएंगे। कर्म मंडल के ऊपर मतलब कर्म मंडल कहाँ तक है? जहां तक गुण है। फंडामेंटल्स को समझना आवश्यक है। कर्म किसके द्वारा होता है? कर्म गुण ही कर्म कराते हैं। अगर हम सत्संग में आते हैं तो सात्विक गुणों के चलते आते हैं, और अगर सिनेमा में जाते हैं किसी का मर्डर करने जाते हैं तो तामसिक गुणों के चलते जाते हैं, और अगर बहुत काम वाम में व्यस्त रहते हैं सांसारिक काम में तो राजसिक गुण। कोई भी कर्म इन तीनों में से किसी एक गुण के ही द्वारा होता है। गुण जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, अगर गुण ना रहे तो कर्म हो गए ही नहीं। तो कर्म मंडल को पार करना है तो किसको पार करना पड़ेगा? गुण मंडल को पार करना पड़ेगा, अर्थात जहां तक गुण है, सगुण प्रकृति है, उसके ऊपर जाना होगा। और जब हम अपने को सगुण प्रकृति कहां तक है तो जहां तक जड़ प्रकृति। अभी हमने सुना महाकारण में तीनों गुण है लेकिन बराबर अवस्था में है। उसके ऊपर जड़ प्रकृति कहते ना कि करु करी कृपा इन भेद छोड़ाओ, इन संग छोड़ाओ, जड़ प्रकृति ही कर पार ही जाओ, है ना गुरु, प्रभु तो ही कैसे देखन पाओ। उसमें कहते हैं कि कुछ आप ऐसी ऐसी कृपा करिए कि मैं जड़ प्रकृति के परे चला जाऊं। जड़ प्रकृति के परे चले गए मतलब गुणों के परे चले गए, और गुणों के परे चले गए मतलब कर्म मंडल से ऊपर उठ गए, कर्म के देश से ऊपर चले गए। तो जिस देश में रहेंगे उस देश का कानून हम पर लागू होगा ना। भारत में है आप देखिए तो भाग जाते हैं यहाँ से लोग, खराब कर्म करके भी तो कितनी तकलीफ है ना। चाहते हुए भी हम उन पर अपना कानून लागू नहीं कर पाते ना, जब तक कि उन्हें फिर यहाँ नहीं ले आया जाए। कितने ऐसे लोग बाहर भागे हुए हैं। तो वैसे ही कर्म मंडल में कर्मों का जो गुण है, लॉ जो है, वो लागू कब तक होगा? जब तक हम लोग उसके मंडल में रहेंगे। कर्म मंडल के अगर ऊपर चले जाएंगे तो कानून रहेंगे लेकिन वो उनसे हमारी वो हम उनकी पहुंच से अपने आप को बाहर कर लेंगे। इसलिए क्या है असली मूल क्रक्स ऑफ द मैटर है दैट वी हैव टू स्ट्राइव, वी हैव टू एंडेवर सो दैट एनी हाउ वी कैन क्रॉस ओवर, है ना, अवे फ्रॉम क्या या राइज अबव द रियल्म ऑफ गुणास एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के ऊपर जाएंगे तभी कर्म मंडल से। तो वही कहते हैं काया पैसी, अंदर में पैट करके गुरु महाराज ने भी कहा है कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये सब जो है इसको पार करके जाएंगे ना तभी होगा। तो पार गमन ही सार भक्ति है। वही कहते हैं कि काया पैसी कर्म सब नाश है तब जरा मरण के संशय गए। फिर जरा मतलब वृद्धावस्था का कोई भय नहीं, मृत्यु का कोई भय नहीं, और कहाँ पहुंच जाएंगे तो वहां जब हम लोग सार शब्द में पहुंचे तो वहां उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि निरंकार निर्गुण अविनाशी, निराकार है, निर्गुण है, अनश्वर है,
और जिसकी तीनों लोक में ज्योति जलती है, अर्थात तीनों लोक जिसकी सत्ता पर जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उस तक हमारी पहुंच हो जाती है। और ऐसा किनको होता है? तो कहते हैं कहे कबीर जिनको सतगुरु साथ, जिन्हें सतगुरु मिल गए, सच्ची युक्ति बताने वाले मिल गए, तो उनकी युक्ति का अभ्यास करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, जन्म जन्म के कष्ट हरे, धन्य भाग जिनकी अटल साहिबी। और नहीं तो नाम बिना नर भटक ही मरे, नाम के बिना हम भटक भटक के मर जाएंगे। बिन गुरु, अभी तो गया ना, बिन गुरु ज्ञान, बिन गुरु नाम ज्ञान नहीं पहियो, है ना, तो वो बिन गुरु ज्ञान नाम नहीं पहियो, बिरथा जन्म गवाई हो। देखिए दोनों एक ही बात कहते हैं। तो नाम कब मिलेगा? जब उसको बताने वाले गुरु मिलेंगे। इसलिए गुरु का मिलना जीवन में बहुत आवश्यक है। सदगुरु मिल गए तो बहुत काम बन गया, लेकिन बहुत काम बन गया ये सोच के बैठ गए तो बना हुआ काम भी बिगड़ गया। क्योंकि अभी हमने बुद्ध भगवान की वाणी में सुना कि कितना भी उनकी सेवा करें, ज्ञानी पुरुषों की ये करें, लेकिन धम्म तत्व जो है उससे अपने को अलग, आचरण हमारा उससे अलग रहे, तो हमारी अवस्था कैसी होगी, हमारी स्थिति कैसी होगी? तो पाकरस में डूबे हुए दरवी कलछुल के समान। इसलिए आवश्यकता है, गुरु तो मिल ही गए हैं, अब हम अपने को डब्बू बनने से, कलछुल बनने से बचाना है, गुरु कृपा का आह्वान करना है, आपस में मिलजुल के सत्संग करना है, ताकि प्रेरणा हो, एक दूसरे को का उत्साह बना रहे और मिलजुल कर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना है। एक न एक शुभ दिन हम भी ऐसी बातें अपने अनुभव में जानने के योग्य बन जाएंगे। आज तो मात्र सिद्धांत में सुनते हैं, गुरु कृपा से सब संभव है, गुरु क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन करेंगे कब? जब हम उन्हें अपना, हम अपने आप को उनका कृपा भाजन बनाएंगे, ऐसे कर्म होंगे हमारे कि हम उनके कृपा के पात्र बन सके। तो कृपा तो उनकी सदैव रहती है, हमें अपने को पात्र बनाना है, उसमें कृपा अपने आप कृपा रूपी जल एकत्रित होने लगेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।